सेकंड बिगेस्ट गेनर है बाजार का, इस समय थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है जहां तक इंडेक्स का सवाल है। आइए जान लेते हैं एचयूएल के नतीजों में ऐसा बाजार को क्या अच्छा लगा, या फिर बाद में जो कॉन कॉल हुई वहां पर क्या निकल कर आया जिसकी वजह से आप इस समय भी देख रहे हैं वीक बाजार में भी एचयूएल और बाकी एफएमसीजी शेयर्स होल्ड आउट कर रहे हैं। वरुण बताइए एचयूएल कैसे रहे नतीजे? देखिए दीप, नतीजे तो मिले जुले थे उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हालांकि एक बात अच्छी रही कि जो मार्जिन है उसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने कहा था कि जो खासकर जो प्रीमियम प्रोडक्ट की कैटेगरी है इस कंपनी की, जो डिस्क्रिशनरी कैटेगरी है खासकर जो अर्बन एरिया में बेची जाती है, वहां पे अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही थी। और उसी का नतीजा है जो आपको देखने मिल रहा है कि मार्जिन जो है 24% से बढ़कर 25% पे आए हैं, यानी कि पूरे 1% के आसपास मार्जिन में इजाफा हुआ है, जबकि बाकी में आपको इस तरह का ट्रेंड देखने नहीं मिला है। वही रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 10.2% की बढ़ोतरी है, मुनाफा 16-17% के आसपास आया है, बढ़कर 2240 करोड़ के आसपास आया है, जो कि हमारे अनुमान से बेहतर ही है। लेकिन कुछ बातें जो कंपनी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की उस पर अगर आप ध्यान दें तो इन्होंने कहा है कि ग्रामीण इलाके में जो तकलीफें हैं वो अभी भी जारी है, पिछले क्वार्टर में भी थी अभी भी है, और खासकर जो कमोडिटी की कीमतें बढ़ी है उसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ने के चलते ग्रामीण इलाकों में ज्यादा प्रेशर देखने मिला है। और Q3 के मुकाबले Q4 में आपको जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है उसका असर शायद थोड़ा ज्यादा देखने मिलेगा। हालांकि डिस्क्रिशनरी और आउट ऑफ होम कंजम्पशन जो है वो प्री कोविड लेवल पे पहुंच चुका है, और शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों में इस कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो बड़ा है। इनका कहना है कि फिलहाल जो कोविड की लहर चल रही है उसका कारोबार पे कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, आगे डिजिटल कारोबार पे कंपनी फोकस करने वाली है। और जो प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट की बातें चल रही है लगातार, ITC ने भी आपने देखा कि लॉन्च किया था, इस कंपनी का कहना है कि नो डाउट समय आने पे हम भी उसको लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ इस कंपनी का एक और बात कहना है बजट को लेके, मैनेजमेंट का कहना था कि क्योंकि ग्रामीण इलाकों में दिक्कतें हैं तो सरकार को कहना कि लोगों के हाथ में पैसा देना चाहिए और मनरेगा जैसी स्कीम्स जो है उसमें एलोकेशन बढ़ाना चाहिए ताकि कंजम्पशन बढ़े। तो ओवरऑल नतीजे मिले जुले थे, कमेंट्री ग्रामीण इलाकों को लेके अभी भी थोड़ी बहुत चिंताजनक है, लेकिन हाँ प्रीमियमाइजेशन जो है वो पिकअप कर रहा है, कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, तो शायद बाजार को यही पसंद आया। वैसे भी ओवरसोल्ड था तो जाहिर सी बात है यहाँ से अच्छा खासा अपटेक इसके लिए भी देखते हैं। ये है आपके लिए मैनेजमेंट की कमेंट्री और पूरा का पूरा एक्शन।